स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. ओके, एंड दिस इज आवर क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास 8 एंड 9. एंड टुडेज आवर टॉपिक इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ये टॉपिक चलते हुए हमारा थर्ड या फोर्थ वीडियो है. एंड लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म, तो उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे. और मैंने कुछ सेंटेंस भी दिए थे आपको. सेंटेंस कौन कौन से थे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ. प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो एक्टिव फॉर्म है वो क्या होता है? इज, एम, आर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी. बट व्हेन विल वी चेंज एक्टिव फॉर्म इनटू पैसिव, देन हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहेगी. इज, एम, इज, एम, आर. आईएनजी के लिए हम लोग बीइंग एंड वर्ब थर्ड फॉर्म. आपको एक चीज रिमेम्बर रखनी है कि टेंस कोई भी हो, मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म ही आएगी. मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म. कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म. और इज, एम, आर इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी और आईएनजी बीइंग के साथ लग जाएगा. इन प्रेजेंट सिंपल हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर रहती है और उसमें बीइंग नहीं आता, ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. यस्टरडे मैंने आपको जो सेंटेंस दिए थे वो सेंटेंस थे, दे आर playing, they are playing the game. Okay, they are playing the game. हमें find out करना है object. तो object क्या है? The game is. Okay, according to this subject we will use helping verb. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैम ने बताया इज, एम, आर है, आर तो यहाँ है. नो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, द ऑब्जेक्ट इज मैड सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का उसे हम सब्जेक्ट बना देते हैं. इज और आईएनजी वाला सेंटेंस है तो बीइंग आना है. बीइंग प्लेड बाय them. Okay, तो ये देखिए, दे का ऑब्जेक्ट मैंने टेबल बनवाई थी आपको, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? them. Understood? Second sentence जो मैंने आपको दिया था, they are not playing the game. They are not playing the game. ओके, इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस. ऑब्जेक्ट फाइंड करा है, ऑब्जेक्ट द गेम है. द गेम इज, यहां पर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज करेंगे. नॉट बीइंग प्लेड बाय देम. डन. तो दे आर नॉट प्लेइंग The game is not being played by them. Okay, have you got? समझ में आया? Present continuous का जो active होता है is MR, verb first form, ing होता है, but इसकी helping verb same ही रहती है, is MR. ing के लिए हम लोग being का use करेंगे. और common चीज जो passive में होती है, main verb का कौन सा form use किया जाता है? Third form of the verb. Which form of the verb is used in the passive? Third form of the verb. ये हमें हमेशा याद रखना है कि जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म ही आएगी, सिर्फ चेंजेस होंगी तो हेल्पिंग वर्ब ही होगा. नाउ नेक्स्ट टेंस कौन सा आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट. कौन सा होगा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है? हैज, हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म. बहुत ही इजी फॉर्मूला है. इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज है भी होनी है, हैज, हैव, और बीच में क्या आ जाना है? बीन, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म. ओके, इजी. इसमें हैज है भी आना है,
वी लगा देना है एंड मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा। अंडरस्टूड? नाउ आई एम गिविंग यू अ सेंटेंस और आप भी अपनी नोटबुक पेन पेंसिल लेकर के बैठेंगे वीडियो देखते हुए और मेरे साथ में सेंटेंस को लिखेंगे। सेंटेंस क्या है? शी हैज हेल्प देम हिम, शी हैज हेल्प हिम, उसने उनकी मदद, उसकी मदद की। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही, हिम, शी हैज हेल्प देम। ओके, किसकी मदद की उसने? हिम, उसकी मदद की। तो उसकी, इसका सब्जेक्ट क्या होगा? हिम का सब्जेक्ट ही, हिम का सब्जेक्ट ही। तो ही, हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब हैज भी यूज लेना है बट हमें हैज किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एंड प्लूरल के लिए हैव। फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज हैज एंड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज हैव। हियर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, सो वी विल यूज हैज हेल्पिंग वर्ब। ही हैज आफ्टर दैट बीन, ही हैज बीन, ओके, इट इज ऑलरेडी थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब हमारी कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड। ही हैज बीन हेल्प्ड बाय, शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? शी का ऑब्जेक्ट हर। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ शी? हर। अंडरस्टूड? तो देखिए बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक्टिव फॉर्म होता है हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। व्हाट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ दिस? हैज हैव, सेम हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। आफ्टर हैज हैव वी विल यूज बीन एंड थर्ड फॉर्म। ओके, नाउ सेकंड सेंटेंस हम लोग लेंगे, सेकंड सेंटेंस लेंगे। रजत हैज रिटर्न, हैज रिटर्न अ लेटर। रजत ने एक लेटर लिखा, या रजत एक लेटर लिख चुका है। व्हाट हैज रजत रिटर्न, रजत ने क्या लिखा? तो आंसर क्या है? अ लेटर। अ लेटर इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस एंड ऑब्जेक्ट इज मेड सब्जेक्ट। जब हम लोग पैसिव बना रहे हैं, जब हम लोग पैसिव बना रहे हैं तो हम लोग को ऑब्जेक्ट का ही सब्जेक्ट बनाना है। हैज थर्ड फॉर्म, हैज थर्ड फॉर्म देखते हैं, हम आइडेंटिफाई कर लेना है। दिस इज अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव थर्ड फॉर्म देखते ही आइडेंटिफाई करना है। दिस इज अ सेंटेंस ऑफ परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जब हम इसका पैसिव बनाते हैं अ लेटर, हैज हैव भी यूज करना है बट अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। अगर ये प्लूरल है तो हैव, अगर ये सिंगुलर है देन हैज, इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, देन अ लेटर हैज बीन, बीन हमें यूज देना ही है। अ लेटर हैज बीन रिटर्न बाय, ये नेम है, अगर नाउन आता है या किसी का नेम होता है तो ऐसे इसको लिखेंगे, बाय रजत। डन, हैव यू गॉट? तो आपको समझ में आया प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव हमें कैसे बनाना है? अब इसके लिए नॉट और हम लोग इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस भी, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। ओके, शी हैज नॉट हेल्प्ड, शी हैज नॉट हेल्प्ड हिम। ओके, इन दिस सेंटेंस विच इज द ऑब्जेक्ट? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। हिम इज द ऑब्जेक्ट, हिम अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? ही, क्या होगा बेटा इसका? ही, ही, ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू चूज हेल्पिंग वर्ब। इफ सिंगुलर सब्जेक्ट देन वी विल राइट हैज, इफ प्लूरल सब्जेक्ट देन वी विल राइट हैव। देन ही हैज, इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस विथ हेल्पिंग वर्ब, वी एड नॉट, ही हैज नॉट बीन, he has not been helped by, now she का object क्या होगा? by her,
अंडरस्टूड बाय हर डन नाउ फोर्थ when has she helped him उसने उसकी मदद कब की। तो मैंने आपको बताया अगर WH से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हमें पैसिव भी WH से ही स्टार्ट करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हमें पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। सो दिस सेंटेंस इज बिगिनिंग फ्रॉम विद हेल्पिंग वर्ब, तो हम लोग भी पैसिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे when। ओके सॉरी WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हम ये भी WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे। आफ्टर WH वर्ड क्या यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है ओके। लेकिन हमारा पैसिव में सब्जेक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा अंडरस्टूड। तो हिम सब्जेक्ट का, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, और ये सिंगुलर है ना, तो इसके लिए हमने यूज किया है हैज। व्हेन हैज ही बीन हेल्प्ड हेल्प्ड बाय हर, उसकी मदद उसके द्वारा कब की गई। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। नाउ वी आर टेकिंग रिविजन ऑफ प्रेजेंट टेंस। हम लोग प्रेजेंट के तीनों टेंस का रिविजन ले लेते हैं बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव नहीं बनता है ओके। देर आर फोर टेंसेस ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के फोर टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट यानी सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो फोर्थ नंबर वाला टेंस होता है बेटा, इट इज नॉट चेंज्ड इनटू पैसिव, इसको पैसिव में चेंज नहीं करते हैं। ओनली थ्री टेंसेस आर चेंज्ड इनटू पैसिव। तो हम लोग एक बार फिर उसको रिवाइज कर लेते हैं ओके। नोटबुक साथ में लेके बैठेंगे आप और अपनी नोटबुक में इसकी फॉर्मेशन लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस, आर यू वॉचिंग क्लियरली, ना दिख रहा है साफ ओके, एंड प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ सी, हम लोग इनकी आइडेंटिफिकेशन ले रहे हैं सिर्फ। प्रेजेंट सिंपल का क्या होता है, डू डज ओके, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ में एस और ई एस, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की, इज एम आर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई एन जी डन, देन हैज। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या आइडेंटिफिकेशन होता है, हैज हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। ये तो इनके एक्टिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन है। हम बात करते हैं इनको पैसिव में चेंज करते वक्त कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल की ही हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर और वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होती है। एज आई टोल्ड यू कि टेंस कोई भी हो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी, ओनली हेल्पिंग वर्ब में ही डिफरेंस आएगा। अंडरस्टूड, तो इसमें डू डज होता है एक्टिव सेंटेंस में बट पैसिव सेंटेंस में इज एम आर होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहेगी, इज एम आर ओके। अब ये आईएनजी किस में जाएगा, क्योंकि बिकॉज जो मेन वर्ब है वो तो थर्ड फॉर्म में बन जाएगी, जो मेन वर्ब है वो तो थर्ड फॉर्म में बन जाएगी, बट आईएनजी के लिए क्या होगा, आईएनजी बीइंग के साथ में आएगा। अंडरस्टूड, तो इज एम आर के बाद में हम लोग बीइंग का यूज करेंगे, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। नाउ सी, हैज इसमें भी हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगी, हैज हैव ओके। अब ये बीन आएगा इनके बीच में, क्या आएगा, बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अंडरस्टूड, समझ में आया बेटा। नाउ नोट डाउन, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए एंड आई एम गिविंग यू सम एक्सरसाइज टू सॉल्व एट योर होम ओके। मैं कुछ एक्सरसाइज दे रही हूँ इन सब टेंसेस की मिक्स,
जो कि आपको सॉल्व करनी है। शैल आई इरेज, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हैव यू नोटेड डाउन? कर लिया? नाउ आई एम इरेजिंग दिस। अब आप रेडी हो जाइए एक्सरसाइज के लिए और उसको आपको सॉल्व करनी है। ओके बेटा, वेरी इजी एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज वन, सेंटेंस नंबर वन, क्वेश्चन क्या है? चेंज द फॉलोइंग, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस sentences into passive voice. Understood? Into passive voice. Change the following sentences into passive voice. Note down कर लीजिए, change the following sentences into passive voice. First sentence. I am repeating. First sentence. She eats mango. Okay, she eats mango. वो आम खाती है. Understood? Now second sentence. Note down की करेंगे अपनी notebook में. Please note down और ये exercise solve करके you will WhatsApp में, आप लोग मुझे WhatsApp पर मैसेज करके बताओगे. डज शी, डज शी सिंग, डज शी सिंग अ सॉन्ग, Does she sing a song? क्या वो गाना गाती है? Okay. Third, you do not answer. You do not answer my question. तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हो. Understood? Done? If हमारा active जो helping verb से start होना है, सबसे पहले तो हमें identify करना है कौन सा tense है. Does देखते हैं हमें पता चल चुका है ये present simple है, और present simple के tense के passive में हमें क्या use करना है मैंने पहले आपको बताया था. If the sentence is beginning with helping verb, then passive भी हमें helping verb से start करनी है. कौन सी helping verb करनी है ये आपको सोच करके बताना है, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ. Fourth, my mother is washing the clothes. Okay, तो is आ रहा है, ing आ रही है, it means it is a sentence of present continue. I have, I have finished. क्लियर दिखाई तो दे रहा है ना आप लोगों को? आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क. सिक्स, ओके सिक्स, नंबर सिक्स हम लोग लेंगे. is the gardener
इज द गार्डनर वाटरिंग, इज द गार्डनर वाटरिंग, इज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, इज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स. ओके, यू हैव टू चेंज दी सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस. मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग समझ लो, और ये कंप्लेंट नहीं आए कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है. मैं रिपीट कर रही हूँ, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस. ओके, ध्यान से देखेंगे वीडियो पोस्ट करके, देन यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. शी ईट्स मैंगो, अंडरस्टूड. डज सी सिंग अ सॉन्ग. यू डू नॉट आंसर माई क्वेश्चन. माई मदर इज वॉशिंग द क्लॉथ्स. ओके, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. इज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स. ओके, सो आप लोगों को ये जो सेंटेंसेस है पैसिव में चेंज करने, मैं रिपीट बता देती हूँ आपको फिर से कैसे करना है. सबसे पहले हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाकर ही पैसिव का सेंटेंस स्टार्ट होगा. ठीक है, ऑब्जेक्ट पहचानना है, ऑब्जेक्ट पहचान के उसको सब्जेक्ट बनाना है. आफ्टर दैट हमें टेंस पहचानना है कि कौन सा टेंस है. टेंस के बारे में मैंने पहले ही इसके जो पहले एक्सरसाइज ये जो सेंटेंस लिखे इसके पहले जो तीनों टेंसेस थे प्रेजेंट के उनकी आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको लिखवाई है. आप वीडियो को रिपीट करके पोज करके देख सकते हैं. टेंस पहचानने के बाद में उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है. आफ्टर दैट जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म यूज होगी. देन बाय लगा करके हमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है. अंडरस्टूड. अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ओके, तो हमें जो पैसिव है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना करेंगे, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग इसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. इसमें भी अगर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना है, हमें इज और आईएनजी देखते हुए पहचानना है, ये कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए हमें ये सॉल्व करना है. अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर 855-985-9877-989. ओके बेटा, अगर आपको एक्टिव पैसिव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या समझ नहीं आ रही है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर. टिल देन, बाय बाय. वीडियो को लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है. थैंक यू.